हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे चलो यू के चैनल। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों में ना मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ गए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि भाई मेरे पास बहुत मैसेजेस आ गए हैं कि सर हमें यूके में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। एंड जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर यही बोलते हैं कि भाई हमें हमें तो फुल टाइम की रिक्वायरमेंट है, या अगर आपका फुल टाइम वर्क परमिट है तो ही हम आपको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। और ये बहुत हो रहा है इन दिनों। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर पढ़ने आया था तब भी हमने इसी तरह की कुछ सिचुएशंस जो है वो फेस करी थी। एंड इसके पीछे का जो रूट कॉज है वो ये है कि भाई पिछले एक दो सालों में हुआ ये है कि भाई बहुत लोगों ने जॉब्स अपनी गवाई थी कोविड की वजह से। एंड जो यूके का जॉब मार्केट है उसमें बहुत जॉब्स अचानक से एक साथ आई हैं। तो हुआ ये है कि अब पुराने लोग भी जो है वो जॉब मार्केट में वापस आए हैं, नए लोग भी जो हैं वो जॉब मार्केट में वापस आए, और हम लोग जो हैं जिनको अभी नई नई पीएसडब्ल्यू और वो सब जो मिला है, अब हम में से हम लोगों को भी कोई यू नो व्हाइट कॉलर जॉब्स तो ज्यादा मिल नहीं रही है, या कहेंगे जिस चीजों की हमने पढ़ाई करी है उन सब चीजों में तो हमें ज्यादा जॉब्स मिल नहीं रही है। तो हो ये रहा है कि ये लोग भी इसी जॉब मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने कई वीडियो में कई बार बताया कि भाई हो ये रहा है कि भाई जो भी स्टूडेंट पार्ट टाइम में जो जॉब कर रहा था उसी को अब फुल टाइम कंटिन्यू कर रहा है, कि भाई उनका वही होता है कि भाई जब तक दूसरी ना मिले तब तक मैं यही कंटिन्यू कर लूं एटलीस्ट, फिर जब मिलेगी तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि भाई खर्चा तो चलना चाहिए। तो इस वजह से हो ये रहा है कि भाई पीएसडब्ल्यू वाले जो हैं ये फुल टाइम की अवेलेबिलिटी अपनी ऑफर करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इनकी वजह से ये हो रहा है कि भाई जो स्टूडेंट है उनकी प्रेफरेंस कंपैरेटिवली कम हो गई है कंपेयर टू दीज पीएसडब्ल्यू पीपल। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सिर्फ शायद वेयर हाउस का ही सहारा दे सकता हूं कि भाई वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर कोई इतना लिमिट का वो नहीं होता है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जितने की भी आपको जॉब मिले आप उतना करो। पूरे 20 घंटे तो वैसे भी यूके में किसी को मिलते नहीं है, बहुत रेयरली किसी को मिल गए तो मिल गए, किसी को 16 18 12 ऐसे ही मिलते हैं। तो आपको जितने भी आवर्स की मिले उतने की आप करने लगो, स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बाकी का जो 6-7 घंटा या जितना भी आपका यू नो बच जाता है वो आप चाहो तो कहीं और इन्वेस्ट कर देना या कुछ और वर्क करके उसको एडजस्ट कर लेना। इन शॉर्ट आपको इस तरह के हो सकता है कि 2-3 जॉब्स करनी पड़ जाए अपने पूरे 20 आवर्स पूरे करने के लिए। लेकिन मैंने इस वीडियो में भी बोला है कि वो सब चीजें आपको अपने रिस्क पे करनी है, लेकिन उस केस में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी यूनिवर्सिटी का स्टडी असाइनमेंट अटेंडेंस इन सब चीजों में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी मैं उस चीज को रेकमेंड नहीं करता हूं आपको। आप बस अपना जितना हो सके उतना पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करें, एजेंट से मिले, लोकल एजेंसीज के पास जाएं, उनके साथ बात करें, बोलेंगे आपको जॉब की जरूरत है, यही तरीके हैं और कोई यहाँ पर दूसरे तरीके नहीं है। वरना लास्ट ऑप्शन तो हर किसी के पास बचता है वो है कैश जॉब्स करने का, जो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर मजबूरी है तो लोग करते भी हैं। लेकिन उस केस में भाई फिर पकड़े मत जाना, फिर वही मैं बता सकता हूं, और बने वहां तक तो करना ही मत। तो दोस्तों, यही था आज का शॉर्ट वीडियो। एंड मुझे बस ये प्रॉब्लम ही आपके सामने रखनी थी कि भाई अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्यों नहीं मिल रही है, किस वजह से नहीं मिल रही है, और इसका कोई सॉल्यूशन किसी के पास अवेलेबल नहीं है। हर कोई यूके के जॉब मार्केट में अपने सर्वाइव करने ही निकला है, और अगर कोई फुल टाइम जॉब ऑफर कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है, या वो कोई आपकी जॉब ले रहा है ऐसा भी नहीं कर रहा है, उसको भी जॉब की उतनी जरूरत है जितनी आपको है। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि भाई मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ आ गया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।